हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो कुछ आज हम बेसिक प्रॉपर्टीज जानेंगे क्यूब रूट एंड क्यूब रूट्स के बारे में, ठीक है। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, जिसमें भी तुम्हें पता चलेगा कि कैसे किसी नंबर का हम क्यूब निकालते हैं, कैसे क्यूब रूट निकालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये एक चीज़ याद होनी चाहिए, क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। जैसे 3 है तो 3 की पावर 3, तो इसका मतलब हो रहा है यहाँ पे कि 3 का क्यूब, इसका मतलब यहाँ पे ये है, जो कि 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 27। ये 3 का क्यूब है। अगर हम बात करें 4 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4, जो कि 64 होता है। तो कल मैंने क्लास में बताया था कि हमें 1 से लेकर 20 तक सारे क्यूब क्यूब रूट सब याद होने चाहिए हमें। तो 1 का क्यूब कितना होता है बेटा, 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, ये याद रखने हैं तुम्हें, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है, 10 का 1000 होता है, 11, 12 के भी याद रख सकते हो तुम। 11 का 1331 होता है, 12 का होता है 1728, 13 का भी याद रख सकते हो 2197 होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्यूब्स हैं जो क्यूब तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं किसी भी नंबर को हम परफेक्ट क्यूब कैसे चेक करेंगे, कि क्या वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो ये जितना भी मैंने लिखवाया है, एक बार इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए और फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से होता है। नोट कर लिया होगा, वीडियो को बैक करके तुम नोट कर सकते हो उसको तुम पूरा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरह से हम किसी नंबर को चेक करते हैं। जैसे क्या है, हमारे पास 243 है, 243 को हमें चेक करना है, तो इसके फैक्टर्स निकाल लो। 243 के फैक्टर्स निकालना आता ही होगा। इसको करेंगे हम 3 से 81, इसको 3 से करेंगे हम 27, इसको 3 से करेंगे हम 9, इसको 3 से करेंगे हम 3, इसको 3 से करेंगे हम 1। तो यहाँ पे देखो, एक पेयर ये बन गया, लेकिन यहाँ पे अब पेयर बनाने हैं, यहाँ पे हम क्यों 3 के पेयर बनाने, कल बताया था मैंने। तो 3 इसके फैक्टर हो रहे हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये इसके फैक्टर्स हो रहे हैं इसके, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो रहे हैं इसके। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे हम यहाँ पे, हम तो देखेंगे इसको हम कि 3 का एक पेयर बन गया लेकिन यहाँ पे नहीं बन पाया, तो इसका मतलब नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसका मतलब परफेक्ट क्यूब होने के लिए हमारे पास 3 3 के पेयर बनने चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब तुम 2744 को चेक करो, तो इसके पेयर बनेंगे, इसमें 2 का इसके फैक्टर में डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, तुम निकाल लेना, 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7, यहाँ पे देखो 7 और 2 के बन गए, तो आंसर 14 आ गया। इसका मतलब ये, हाँ ये पेयर बन रहा है। ओके, आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं हम। कुछ प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, तो ये है ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है तुम्हें, ठीक है ना। और इस एक्सरसाइज में और कुछ तो है नहीं अभी 2.1 में, और तुम कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हें मैंने बता दी, जैसे अगर 1 है, किसी डिजिट के लास्ट में 1 है, तो इसका जो क्यूब है वो 1 में एंड करेगा। किसी डिजिट के लास्ट में 2 है, तो इसका क्यूब 8 में एंड करेगा। 3 वाले का एंड करेगा 7 में, 4 वाले का एंड करेगा 4 में, 5 वाले का एंड करेगा 5 में, 6 वाले का 6 में करेगा एंड,
सेवन वाले का थ्री में एंड करेगा, रिवर्स होगा, एट वाले का टू में एंड करेगा, नाइन वाले का नाइन में एंड करेगा और जीरो वाले का जीरो में एंड करेगा। ठीक है, तो देखो वन का वन में है, थ्री का सेवन, सेवन का थ्री, टू का एट, एट का थ्री, ठीक है ना, फोर का फोर, फाइव का फाइव, सिक्स का सिक्स, नाइन का नाइन, जीरो जीरो। तो इस तरह से अपन इसको याद कर सकते हैं सारी चीज़ें, किस तरह से हमारे ये फैक्टर्स हमारे काम करेंगे। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तुम्हें, और जैसे पी अपॉन क्यू का क्यूब निकालना है हमें, तो बेटा इसका पता है हमें कि होता है पी का क्यूब अपॉन क्यू का क्यूब। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज ये हमारे पास, माइनस फोर का क्यूब करते हैं जैसे हम, ये हो जाएगा माइनस फोर इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फोर, तो ये बेटा माइनस का 64 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलो तो ये वीडियो को अब ख़त्म करते हैं और एक्सरसाइज को अपने पूरा करना।